रानी चटर्जी आज भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। उन्होंने भोजपुरी में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। रानी चटर्जी को इंडस्ट्री में आए करीब 15 साल हो गए हैं। 14 साल की उम्र से ही रानी चटर्जी फिल्मों में काम कर रही हैं। अब वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी अपनी अदाकारी का हुनर दिखा रही हैं। हाल ही में एमएक्स प्लेयर की बहुचर्चित वेब सीरीज मस्तराम में रानी ने काफी बोल्ड रोल प्ले किए हैं। आगे भी वो ऐसे रोल करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अब वो जल्द ही साउथ के फिल्मों में भी एंट्री मारने जा रहे हैं। आपको बता दें, रानी चटर्जी का असली नाम सबीहा शेख है और उनके नाम बदलने की कहानी काफी दिलचस्प है। असल में रानी मुस्लिम है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें हिंदू नाम रखना पड़ा था। आइए जानते हैं उनके मुस्लिम से हिंदू बनने का ये दिलचस्प किस्सा। रानी चटर्जी ने साल 2004 में ससुरा बड़ा पैसा वाला नाम की भोजपुरी फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग किसी मंदिर में होनी थी। इस सीन में रानी को मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा के सामने सिर पटकना था। फिल्म के डायरेक्टर अजय सिन्हा को डर था कि कहीं एक्ट्रेस के मुस्लिम होने के कारण मंदिर में कोई बवाल न कर दे। शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद लोगों और मीडिया ने जब एक्ट्रेस का नाम पूछा तो डायरेक्टर ने सोचा कि मुस्लिम होने की वजह से कोई बवाल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक्ट्रेस का हिंदू नाम रानी बता दिया। इसके बाद जब रानी का सरनेम पूछा गया तो डायरेक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बताऊं। उन दिनों रानी मुखर्जी काफी फेमस थी तो उनके मुंह से अचानक निकल गया कि इनका नाम रानी चटर्जी है, तो इसी फिल्म के सीन के चलते सभीहा रानी चटर्जी के नाम से फेमस हो गए। हालांकि रानी के नाम से बदलने से उनके घर वाले काफी नाराज हुए थे। एक इंटरव्यू के दौरान रानी ने बताया था कि उनके घर वाले शुरू से इस बात को लेकर नाराज हुए थे, लेकिन रानी अपने इस नाम को बेहद लकी मानते हैं क्योंकि इसी नाम के बदौलत उन्हें कितनी कामयाबी हासिल हुई है। वही फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से रानी को ऐसी पॉपुलैरिटी मिली कि इसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स मिले और उनकी सभी फिल्में हिट होती चली गईं। और आज वो इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं। एक वक्त था कि वो फिल्म के लिए सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली एक्ट्रेस थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।